हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। अगर हमको हिंदी भाषा में बोलना है हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, इंग्लिश भाषा में बोलना है इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे करेंगे। लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई हैव बीन empowered to excel, succeed and do well in the totality of my being, spirit, soul and body. In Christ I have become not just an heir of God but a joint heir with Christ. Therefore I experience abundant riches, wealth, happiness, peace and fulfillment to the glory of God. मैं शक्ति से भरा गया हूँ, काबिलियत रखता हूँ ऊंचे उठने की, सफलता के लिए और सब कुछ संपूर्णता में मेरे अस्तित्व में ठीक से करने के लिए आत्मा प्राण और शरीर में मसीह में मेरे पास केवल इतना ही नहीं कि मैं परमेश्वर के विरासत में हूँ परंतु मसीह के साथ भी संगी वारिस हूँ। इसलिए बहुतायत के धन संपन्नता आनंद शांति और परिपूर्णता अनुभव करता हूँ परमेश्वर के महिमा के लिए। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, जोशुआ 1:8, 2 Corinthians 9:8, यहोशुआ 1:8, 2 Corinthians 9:8। हिंदी में सारे वचन हम BSF बाइबल में से पढ़ेंगे, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और 2 Corinthians 9:8, 2 Corinthians 9:8, ये वचन हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जोशुआ 1:8। जोशुआ 1:8 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। दिस बुक ऑफ द लॉ शाल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ thy माउथ बट thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. और एक बार पढ़ेंगे बुक ऑफ जोशुआ, जोशुआ की भविष्यवाणी, जोशुआ की पुस्तक उसके पहले अध्याय, जोशुआ 1:8 हम पढ़ेंगे। दिस बुक ऑफ द लॉ शाल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ thy माउथ बट thou shalt मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट, दैट thou mayest ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज written देयर इन, फॉर देन thou shalt मेक thy way prosperous, एंड देन thou shalt हैव गुड सक्सेस। इसी वचन को हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, यहोशुआ की पुस्तक 1:8। यहोशुआ 1:8 हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे यहोशू 1:8।
BSI बाइबल में से व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सेकेंड कोरिंथियंस 9:8 एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिंथियंस 9:8 एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस एवरी फेवर एंड अर्थली ब्लेसिंग कम टू यू इन अबंडेंस सो दैट यू मे ऑलवेज एंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंस एंड वॉट एवर द नीड बी सेल्फ सफिशिएंट पोसेसिंग इनफ टू रिक्वायर नो aid or support and furnished in abundance for every good work and charitable donation. और एक बार पढ़ेंगे सेकेंड कोरिंथियंस 9:8 एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस एवरी फेवर एंड अर्थली ब्लेसिंग कम टू यू इन अबंडेंस सो दैट यू मे ऑलवेज एंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड वॉट एवर द नीड बी सेल्फ सफिशियंट पोसेसिंग इनफ टू रिक्वायर नो एड और सपोर्ट एंड फर्निश्ड इन अबंडेंस फॉर एवरी गुड वर्क एंड चैरिटेबल डोनेशन। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरंतियों की दूसरी पत्री 9:8 BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरंतियों की दूसरी पत्री 9:8 BSI बाइबल में से। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हरेक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और एक बार पढ़ेंगे कुरंथियों की दूसरी पत्री 9:8 BSI बाइबल में से। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जो विस्तारित करके लिखा गया है वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह सब प्रकार के अनुग्रह देने में काबिल है, ठीक है, और ऐसे प्रकार की कृपा दृष्टि जो सब प्रकार में होती है और सारे प्रकार में जितनी भी पृथ्वी की आशीषें होती है वो देने में वो समर्थ है, ठीक है। उसके पास हमने आना है बहुतायत को लेने के लिए, जिसकी वजह से हम हमेशा हर परिस्थिति के नीचे जो हमको चाहिए वो लेकर अपने आप में संतुष्ट हो सकेंगे, इतना ज़्यादा कि दोबारा और कोई हमें रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई सहायता या किसी प्रकार के संपन्नता को और बढ़ा चढ़ाकर प्राप्त करने के लिए कोई अच्छे काम या कोई दान अर्पण ऐसा करने के लिए दया का काम करने के लिए हमको कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर से लेने के लिए हमको परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है अनुग्रह देने का। तो हिंदी में ये और एक बार पढ़ेंगे, ऐसा है दूसरे कुरंथियों की पत्री 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपके वचनों में हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके भले बातों में परमेश्वर पिता आपने हमको लिया, उठाया, चलाया और पिता उसमें
पिता परमेश्वर हमारी उन्नति होने का रास्ता हमको दिया, हमारे सोच खोल दिए, हमारे बंधन हटा दिए, हमारे ऊपर परमेश्वर आपके अभिषेक को लाया, जुआ तोड़ने वाला अभिषेक लाया। हम हर मसले में हर तरफ पिता परमेश्वर आपके जवाबों को देखना शुरू किए, आपको धन्यवाद करते हैं। आप झूठे परमेश्वर नहीं हो खुदा, जब आपने टर्निंग पॉइंट बोल दिया है तो वो हो चुका है पिता। जब आप आपके दास के मुंह से टर्न अराउंड बोलते हैं तो वो हो गया है खुदा परमेश्वर। जब हमारे अंदर तसल्ली आ जाती है कि ये बात मुझे मिल चुकी है, तो ये तसल्ली झूठी नहीं है खुदा परमेश्वर। ये ऐसी तसल्ली नहीं है जिसको प्राप्त करके पिता मुरझा जाएगी और ख़त्म हो जाएगी और ये आशा पूरी हुए बिना ही हम दुख में पड़े रहेंगे। ऐसी तसल्ली तू नहीं देता है खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, हम झूठ के ऊपर भरोसा नहीं किए हैं, हम सच्चे परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए हैं। जब तेरी ओर से कुछ बात निकलती है वो पूरी होकर लौटती है खुदा परमेश्वर, उसकी तरफ हमारे ध्यान को उठा और हमारे समय को कठिन होने से बचा ले, ताकि उस तक पहुंचने में हम अपना हियाव ना छोड़े। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं वचनों के द्वारा ऐसा होने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।